तीन एक, बीजेपी तीन बड़े राज्य जीती है। और जब बधाई के पात्र है, देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। नरेंद्र मोदी अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 29 में उस वक्त COP33 इंडिया में होगी, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको एडवांटेज देगी और फिर वो इलेक्शन लड़ने की अच्छी पोजीशन में आएंगे। मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने वाजे बर्तरी हासिल कर ली है, यहाँ तक कि बीजेपी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। पार्टी चुनाव लड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर लड़ी है, तो इसलिए ये एक बड़ी बात है। और वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि एक ही गारंटी चलती है और एक ही चेहरा चलता है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का। और डू यू थिंक ही हैज प्लेड इट वेरी स्ट्रेटेजिकली कि एक तो 5-6 साल का मौका भी ले ले और अगर बीजेपी जीत जाए और वो वज़ीर आज़म बन जाए तो उनको 2029 में एक मौका मिल जाएगा कि फिर एक दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इंडिया में लेके आएंगे और वो जो चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल स्टेचर बढ़े। ही इज प्लेइंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ताज़ा करें आप, बरतानवी अखबार द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस हैं उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पॉवरिश टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पोलिटिकल थिएटर, ये कहा गया है। बात तो बिल्कुल वैसे सही हो रही है। आज इंडिया को देखो कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना, उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो, उनका ठीक है ना सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो, उनका मेडिकल सेक्टर देखो, उनका कौन कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो ना नहीं तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में, किसकी वजह से, प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से। ठीक है तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद दोस्तों, ये सिग्नेचर तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने कर दिया है कि आने वाले प्रधानमंत्री चुनाव के लिए उनकी एक ही पसंद होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों मैं लगभग 2 बजे के करीब वीडियो बना रहा हूं और सभी इन तीन राज्यों का जो मैंने नाम लिया, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन सब में आप लोगों ने मोदी जी की पार्टी बीजेपी को अभी तक भारी बहुमत दिया हुआ है। मतलब यार पाकिस्तान थरथरा रहा है, ऐसे थरथरा रहा है, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के सीनियर एंकर भी इस समय लगे हुए हैं हमारे स्टेट्स के ये चुनाव रिजल्ट बताने में, कह रहे हैं कि यार मतलब ये तो टेंशन हो गई, 5 साल फिर मोदी आ जाएगा। दोस्तों मोदी ने जो इनकी कंडीशन की है ना 10 से 12 सालों में, कहां एक टाइम होता था पूरी मुस्लिम कंट्रीज खड़ी होती थी हाथ से हाथ मिला के पाकिस्तान के साथ और डे बाय डे भारत को स्लेज करती थी, और आज वही मुस्लिम कंट्री यूएई से लेकर बांग्लादेश तक स्ट्रेटेजिकली भारत के साथ खड़े हुए और पाकिस्तान अलग थलग हो गया, भिखारी बोलने लगे अब तो मुस्लिम देश भी, ये हालत बना दी है मोदी जी ने। और आने वाला 5 साल भी मोदी जी का ही है, तो अभी से थरथराना इनका हाथ कांपने शुरू हो गए पाकिस्तान के। तो भाई डिसीजन आप लोगों ने मोदी जी के चुनने का ले लिया है, फिलहाल तो अभी लग रहा है ये 3-4 स्टेट्स के जो चुनाव हुए हैं उससे जो सेमीफाइनल माना जा रहा था उसमें तो मोदी जी ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। लीडरशिप की बात है, लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हो, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हो, आप पुश कर रहे हो, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकॉनमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हैं वो सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो एज ए इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट, और वो कर रहे हैं उसमें वो दे हैव डन इट, और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की है इसमें रिगार्डलेस। मैं मोदी साहब की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आजकल इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूँ, मैं सरप्राइज होता रहा हूँ, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के वो इंग्लिश में होते हैं, बच्चा बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता हूँ और सूट अच्छा पहन लेता हूँ, हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने दुनिया से आपने तालीम से बायकॉट किया, तुम नाराज हो गए तालीम के नाल, तुम क्या असं पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम करना, ये क्यों करना है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तो आपकी नज़र में वो कैसे लीडर है? इज अ ग्रेट लीडर, मैं तो उनको इतना अच्छा एक लीडर समझता हूँ जो बेसिकली चाहे हमारे मुल्क के इख्तलाफात जो भी हैं बट वो अपने कंट्री के लिए इतने अच्छे लीडर है ना, आप यकीन माने कि मैंने आज तक ना कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जो अपने मुल्क में 3 दफ़ा सरबराह मुकायम हो, 3rd time वो फिर भी सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब अपनी मेहनत से अपने मुल्क को, आज वो देखिए आज इंडिया कंट्री कहाँ पे है,
कहाँ से कहाँ चला गया, कौन लेके गया। उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इनकी गवर्नमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा पीएम आते रहे हैं बट इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती रही। बट मोदी जी के मोदी की सरकार में ना इतनी अच्छी परफॉर्मर 2014 से वो स्टिल और 2023 आ गया, आगे 24 भी आने वाला है। बट ये देखिए उनमें चेंजिंग क्या आई है, उन्होंने तीसरे टेन्योर पे भी आके अपने मुल्क को कहां से कहां लेके गए। पहले मैं तो उनको बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर समझता हूं। आपको लगता है कि तीसरा टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का ही होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो पोलिंग की जा रही है उसके मुताबिक 90% जो इंडिया में लोग हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही साथ हैं, कि तीसरा टेन्योर भी उनका ही आना चाहिए। डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगा कि उनको ही आना चाहिए, जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया है ना, आज एक इंडिया मुल्क में, हर मुल्क में इंडिया मुल्क का नाम इंडिया इंडिया हर कंट्री में चले जाए ना, हर ममालिक में चले, यूरोप साइड पे चले जाए, इंडिया इंडिया क्यों होता है, सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से होता है। ठीक है, एक गवर्नमेंट अच्छी हो, एक प्राइम मिनिस्टर अच्छा हो ना, तो वो ही अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। तो इसने आप देख लेना कि आज के दौर में अभी आके देख लें क्या नहीं उनकी तरक्की है। उनके डैम देखे, उन्होंने डैम्स बनवाए 10 to 12 डैम्स बनवाए। उसके बाद उन्होंने ये जो ऊपर जहाज ऊपर चांद पे जाने का उन्होंने तजर्बा किया वो भी कामयाब हुआ। उनकी टेक्नोलॉजी देखे, ईच एंड एवरीथिंग उनकी गवर्नमेंट में सक्सेसफुल रही है, कोई ऐसी नहीं है कि कोई उनको हारे नहीं है वो इस चीज़ पे, हर चीज़ पे उन्होंने अपनी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ लेके गया। और आज भारत का नाम सबसे बड़ी चीज़ मैं ना गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ये जो मोदी सरकार है इनको सिर्फ इस चीज़ पे अप्रिशिएट करें जो इन्होंने मेड इन इंडिया का नाम रोशन किया ना। आप बिलीव करें मेड इन इंडिया जो है कंपेन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आकर स्टार्ट की थी, और आज देखें इंडिया में सुई से लेकर जहाज बन रहे हैं, मिसाइल बन रहे हैं। डेफिनेटली वही ना देखे ना, अब उनको बाहर जाने की नहीं पड़ती, वो उन्होंने किसी भी कंट्री के साथ कोई भी मुहदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने मुल्क में सुई भी ईच एंड एवरीथिंग उनके मेडिकल टेक्नोलॉजी ईच एंड एवरीथिंग वो अपने कंट्री में कर रहे हैं। टाटा सबसे बड़ी कंपनी जो अपने मुल्क में लेके आए, उसके बाद उन्होंने हर चीज़ अपने मुल्क में फैसिलिटीज़ पैदा की है, और अपने मुल्क के लोगों को बाहर को जाने के बजाय उन्होंने अपने मुल्क में कि नहीं यहाँ पर नौकरी करो। हमारे मुल्क में आपने देखा होगा हमारी कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में आज तक 1947 से लेकर 2023 आ गया कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर बता दे जिसने 5 साल पूरे किए में, मैक्सिमम 3 years, 4 years, 4 years and within 1 month or 2 months या इसके बाद उसका टेन्योर खत्म हो जाता है, उसके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन आ जाते हैं, कोई ना कोई इल्ज़ाम आ जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है ना, इसलिए तो हमारा मुल्क आज इन हालात में है। अच्छा आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी उन्हीं का होना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खलबली सी मच। हर मुसलमान के जिस तरह आपका जो आइडियोलॉजी है कि या तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए तो या आप सारी दुनिया का सर काट दें, तो ये इस तरह तो नहीं ना होता। आप मिडल वे आपने ढूंढा ही नहीं, तालीम की तरफ जाए, अकल खुल जाती। एक बड़ा खूबसूरत हालांकि यह चीज कहते हैं छतरी और दिमाग जब तक खोलेंगे नहीं वो काम नहीं करेगा, आप उसको खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको इस गैरिजन स्टेट से आगे पढ़ना होगा, हूं तो जंग होंगी नहीं, ड्रोना नाल होनी तो कंप्यूटर नाल होनी, उधर तवज्जो दियो यार, तुसी कहड़े चक्कर च पै गए, तुसी अजे कहंदे हो असीं खोतियां दे जाके जिहाद करना, पता नहीं मेरे बक्की कर लगे हो यार तुसी, और तुहानू लोग बेवकूफ बना रहे, तुसी बन रहे हो। मैं कई बार कह बैठा तुहानू जिहाद दे रोज प्रचार करने वाले अपने बच्चे सारे लंदन ते टोरंटो ने, कोई जा करो, और मौलाना तारू कादरी भी कैनेडियन जे, खुदा दा नाम जे यार। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया फिलहाल जो 3 स्टेट्स की जनता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन्होंने डिसीजन लिया है कि ये मोदी जी के पार्टी के साथ जाएंगे। और दोस्तों जो इस 3 स्टेट्स में बीजेपी की जीत हुई है, कहीं ना कहीं सबका अपना अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से दोस्तों जो जीत का बिगेस्ट फैक्टर है वो अकेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि जो स्टेट्स के उनके लीडर्स थे, चाहे MP में शिवराज और भी जो भी कोई है, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा दोस्तों, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, जो उस राज्य के लीडर्स थे बीजेपी के उन्होंने मेहनत की है नो डाउट, लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से जो मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है देश के लिए, उस देश की मेहनत को देखकर जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को वोट दिया, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है दोस्तों, खैर इससे साफ हो गया आप लोगों को कि आने वाले जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो मोदी जी इजिली जीत जाएंगे, और पाकिस्तान, चाइना, तुर्की इन जैसे जो देश हैं वो अभी से नज़र बनाए हुए हैं भारत के इस चुनाव पे। मैं देख रहा था काफ़ी मीडिया कवरेज तुर्की वगैरह की भी, चाइना की भी, ग्लोबल टाइम देख रहा तो सारे अप टू डेट हैं।
कि बीजेपी यानी मोदी जी की पार्टी कहां स्टैंड कर रही है। अगर अगर दोस्तों यहां पे मोदी जी की पार्टी जो बीजेपी हारती तो चाइनीज मीडिया, टर्किश मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया में ये सब हाईलाइट बनाते कि मोदी हार गए, इसका मतलब मोदी नहीं आएंगे। आप मेरी बात कहने का मतलब समझ रहे हो ना, अगर ये चुनाव में बीजेपी पार्टी हारती तो हाईलाइट बन जाती कि मोदी जी नहीं आएंगे, कांग्रेस आएगी तो फलाना आएगी। लेकिन क्योंकि अब मोदी जी जीत गए ऐसे ऐसे थरथरा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ना पाकिस्तानी एंकर बोल ही नहीं पा रहे, पाकिस्तानी एंकर टू बी वेरी ऑनेस्ट राहुल गांधी के सपोर्ट में नजर आ रहे थे। कल की मैंने न्यूज देखी थी, कल कह रहे थे कि राहुल गांधी की जो सरकार है कांग्रेस की वो तीन स्टेट्स में आएगी, बीजेपी एक। लेकिन आज जब उन्होंने रिजल्ट अभी तक का देखा है कांप रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए।